हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अभी तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मॉर्निंग के कितने बज रहे? छः बज रहे। हाँ ठीक है, पाँच या छः जो भी बज रहे अभी मॉर्निंग के, छः बज रहे हैं, बस एक मिनट बाकी। हाँ तो अभी मॉर्निंग के छः बज रहे हैं और खाना बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो सुबह सुबह ब्रिज के नीचे मिल जाएंगे हम लोग, 4 बजे आप मिले थे। तो ये अभी हो रहा है मॉर्निंग और हम सब इतनी सुबह सुबह निकल गए हैं। काट देंगे भैया तो इतना ज्यादा। तो फिलहाल तो हम सब जा रहे हैं स्टेशन, हमारे पास में जो स्टेशन है वहाँ। चिल्लो बोले। और हमारे साथ है अंजलि जी, इसे तो आप मिले होंगे मेरे ब्लॉग में बहुत बार। स्टेशन जा रहे क्योंकि हम सबको जाना है पालघर, और पालघर यहाँ से बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, 2 घंटे का रास्ता है। हाँ तो हम जाएंगे पूरा टाइम सोते हुए, आप देख लेना। हाँ तो हमारा नींद पूरा नहीं सकते। हाँ ना, क्योंकि 5 बजे उठे हो ना तुम लोग, 4 बजे उठा के रख देते हैं, वही है ना जो उस टाइम हम कर देते साथ में। हाँ ये तुम्हें बोल रहा वीडियो वो इसके बारे में पूछ रही है, मैंने जो पहना है ना इसके बारे में। तो हम फिलहाल तो अभी हमारे जो पास में स्टेशन है हम वहाँ पे जा रहे हैं, और उसके बाद हम सब लोग जाने वाले हैं पालघर। बच्चे हैं तो मैं मिलती हूँ आपसे स्टेशन जाके। स्टेशन से पहुंचे गए गाइस, ये है विलेपाले स्टेशन, दिख रहा होगा। ये है विलेपाले और ये है विलेपाले वाली लड़की, सब एक दूसरे एक कचरा वाली बाबू नहीं है करो बच्चा मेरा, अरे चीज दिल बना मोसी, दिल कैसे बनाती हूँ वैसे करना सरंगे का। अभी हम हैं स्टेशन पे और ये रहा, अब हम वेट करेंगे थोड़ी देर ट्रेन का। कौन किधर है? सब तो मेरे दोस्त हैं। हाँ तो भाई मेरे दोस्त नहीं है ना, ये वो डॉल जाके नहीं है वो। हाँ से मर कितनी बेशरम है रे, मारने के लिए बच्चे को सिखाती है। तू ऐसे तो क्यों कर? हाँ तो क्यों, तेरा गुरु क्या, तू बच्ची है, वो बच्ची है ना, उसको मैं प्यार से कर रही वंदे भारत है ये। वैसे ये वही ट्रेन है वंदे भारत जो अभी न्यू चालू हुआ है। गाइस मेरी आवाज आ रही है आपने? हम लग रहे ना एक जैसे, बस मैं थोड़ी वो लग रही हूँ। हाँ ये ड्रेस भी सेम है आज। देखो गाइस मेरी बहन ने पूरा 4 प्लेट खाया, ये चिमकांडी ने है पतली सी पर 4-4 प्लेट खाई है इसने। देखो इसको 4-4 कचरा भी खाएगी वो। A few hours later. अब तेरे को ही देख रही था, चिल्ला रही है। अब पालघर में हम जाएंगे, क्या करेंगे क्या पता। हम पालघर में है या पनवेल में है, पालघर में नाचेंगे। क्या बोले यार। हाँ गाइस तो हमने ना 2 ट्रेन चेंज की ना, एक हमने विले पार्ले में आए, उसके बाद हम विरार आए, और विरार से फिर हमने ट्रेन लिया, और उसके बाद हम लोग ना पालघर आए हैं। मैं दिखा, हाँ तो ये है पालघर स्टेशन है ये, और देख लो, और हमारे साथ और भी लोग हैं बहुत सारे। तो अब यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं? आगे हाँ आप आगे देखते रहिए, फिर आपको पता चलेगा हम कहाँ पे जा रहे हैं। वैसे मालूम तो पड़ ही जाएगा आप लोगों को।
वैसे बहुत हमें ना ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें सीट भी नहीं मिली वहाँ पे। इसके लिए वीडियो लेके नहीं आया। हाँ, और बहुत सारे लोग थे ना तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भीड़ था, सीट नहीं था, हम लोग खड़े ही कैसे सब लोग ही, किसी को सीट नहीं मिला, सब खड़े कर रहे थे, सब अभी सब बैठे जाते हैं। हाँ, इसीलिए सब यहाँ पे आराम कर रहे हैं। अच्छा था ये, इसकी एक लाइक। बच्ची, प्यारी प्यारी बच्ची, बैग ना कब से बैग उठा के थक गई है ना, दर्द नहीं समझता मेरा, कोई नहीं समझता ना तेरा दर्द। हाँ, तो अब हम स्टेशन से बाहर निकले और कुछ ऐसे ऐसे गलियों से होते हुए अब हम निकल रहे हैं। आप यहाँ पे पहले भी आ चुकी है ना, तालघर में? हाँ, कितनी बार, मतलब बचपन से, मतलब आज जाके मैं। हाँ, ये यहाँ पे बचपन से आ रही है और मैं पालघर फर्स्ट नहीं, मेरा ना सेकंड टाइम है पालघर, आज तक यहाँ पे सिर्फ एक बार आई थी, वो भी बहुत साल हो गए, जब मैं स्कूल में थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम पे, और आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ। भाई हमें उधर से मना कर दिया, बोले उधर गटर खुला हुआ है तो। क्या हाँ, नानी कब से आ रही है? टेंशन मत लो, आपकी नानी आएगी, फेमस हो जाएगा, तो मालूम पड़ेगा ना कि मेरी मम्मी भी थी इसमें। हाँ, मम्मी देखेगी ब्लॉग, तो मैं भी आ गई। मछली है पानी करना भी, मछली है यार इधर ना, कैसा लग रहा है जैसे अपने गांव में आ गई हूँ, पूरा गांव वाले इलाके है, पूरा लग रहा है गांव है ना। बट मुझे बैग भरना लेना पड़ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा, शायद नेक्स्ट वाली बारी मेरी होगी ये बैग पकड़ने की। बाय ला, देख लो से गांव गांव जैसे, बहुत अच्छा है मेरा विले पार्ले और अंधेरी वाले एरिया घूम घूम के इधर आने के बाद लगता है अपने गांव आ गए। हाँ ना यार, सच में तो विरार नाला से पड़ा आएंगे ना, कितना अच्छा लगा। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे, पहले रिक्शा आ रहे हो, देखिए मुझे हंसी आ रही है, बट हम बहुत टाइम वेट किया, आप जा रहे हो, खुशी हो रहा मुझे। हाँ, क्योंकि पहले तो ट्रेन में टाइम लगा, फिर ऑटो रिक्शा ढूंढने में टाइम लगा, क्योंकि बस भी जाती थी बट बस छूट गई, पता नहीं बहुत दूर है, बस से बहुत भी ज्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने बस नहीं लिया, हमने टेम्पो लिया और अब जा रहे हैं। जंगलों को पार करते हुए, पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए अब हम आ गए हैं गांव वाले इलाकों में, और ये पुलिस हमारे साथ, हमारी सेफ्टी के लिए कब से हमारे साथ साथ चले जा रही है, पता नहीं कब तक हमारे साथ चलेंगी। तो बस ये, मतलब आप समझ लीजिए हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही आ रहे हैं ये। हाँ, क्योंकि हमारे पीछे चल रहे हैं, और ये देखिए कितने क्लोज है, और ये कुछ ये देखो, ऐसे लग रहा है मैं बिहार आ गई हूँ अपने गांव, और ये गांव के मधुबनी मुझे पता है, तो एक तरह से समझ लीजिए हमारे बॉडीगार्ड टाइप के, बट है पुलिस है ये। चलिए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी, इतने स्लो नहीं आते, हमारे पीछे रही है कहीं कुछ। चलो चलो बंद कर लेते हैं, पुलिस है थोड़ा बहुत। हाँ, मुझे पीने का पानी है, चलो जाते हैं, चलो ठीक है।
हम आ गए। उसको बोला ना नामिका को। कितना अच्छा लगा ना। क्या बोले चाहिए।